नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वर आलय म्यूजिक। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने स्वर मालिका नंबर एक, स्वर मालिका नंबर दो, जो कि जस्ट स्वर विस्तार है स्वरों का, शुद्ध स्वरों पर आधारित बताया था। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको स्वर मालिका नंबर तीन बताने जा रहा हूँ। ये भी शुद्ध स्वरों पर आधारित है। जब ये क्रम, ये मेरी स्वर मालिकाएँ जितनी हैं वो इसमें कवर हो जाएंगी, उसके बाद मैं विकृत स्वरों पर आधारित स्वर मालिकाएँ आपके रियाज के लिए दूंगा। और आपको बहुत ही लाभ होगा यदि आप सही मायने में हारमोनियम सीखना चाहते हैं। आपका फोकस ये सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि मैंने सारे गामा पाधा नीसा सीख लिया, अब मैं गाना निकालना सीखूं। गाना कहीं नहीं गया, गाना आपका एक दिन निकलेगा। लेकिन आपकी गायकी में सुधार लाना है, आपको क्लासिकल बनना है, तो आपको ये गायन में, स्वर आलाप में कहाँ कितना ठहराव लेना है, मात्रा के हिसाब से चलना। और ये मात्रा के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ आपको, चार चार मात्राओं पर आधारित है ये। तो आइए स्वर मालिका नंबर तीन। सारे सा रे, चार मात्रा में लिया, सारे सा गा रे सा रे सा नी दा नी दा पा पा नी दा नी सा रे सा गा मा धा पा मा गा मा रे गा मा पा मा गा मा रे सा। सा रे सा गा रे सा रे सा नी दा नी दा पा पा नी दा नी सा रे सा गा मा धा पा मा गा मा रे गा मा पा मा गा मा रे सा। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है ये। आप इसको आप चाहें ताल, तीन ताल के साथ रियाज कर सकते हैं। ताल कहरवा जो कि 4/4 बीट का होता है, उसी हिसाब से आप इसका रियाज कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर है। और इसको आप चाहें तो इसको आकार में भी कर सकते हैं। आ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने अपने ट्यूटोरियल में ये स्वर मालिका आपको बताई है, इसका आप अच्छे से रियाज करेंगे। ये पूरा होने के बाद मैं विकृत स्वर, कोमल स्वरों पर आधारित स्वर मालिकाएँ आपको स्वर विस्तार करने के लिए बताऊँगा।